गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग एक चीज़ दिखाएंगे, डेट इज़ फेनोल पैथिलीन, जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। एक एक्सपेरिमेंट है आपके क्लास सेवन्थ और क्लास टेंथ का, एसिड बेस एंड साल्ट के बेसिस पे। ओके, चैप्टर रिगार्डिंग द एसिड बेस एंड साल्ट। फेनोल पैथिलीन आपका नेचुरल इंडिकेटर है, इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस के प्रेजेंट में, और हमें दिखेगा एक जादू। ओके, बोला जाए तो बच्चों को लैंग्वेज में जादू, फेनोल पैथिलीन सॉल्यूशन है आपका। ओके डेट इज़, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये नेचुरल इंडिकेटर है या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर। ये आपका टेस्ट ट्यूब, अब हम इसमें डालेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल डालेंगे हम एसिड। ओके डेट इज एसिड, ये हमने पहले से बना रखा है इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका एसिड। ओके देखिए, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और हम लोग इसको डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग डालेंगे एसिड को वाटर में। ओके एसिड को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो ये हो जाएगा डाइल्यूट। अब ये हो गया आपका डाइल्यूट एसिड। एसिड डालने के बाद थोड़ा उसको चला देंगे ताकि वो अच्छे से सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और बन जाए आपका डाइल्यूट एसिड। ये है आपका बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए किस तरह से टेबलेट की तरह दिखता है। ओके लेकिन इसको साइंटिफिक जो नेम है इसको बोला जाता है, आपको मैं दिखा दूँ एक बार, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। ओके इसका नाम ये है, बट ये दिखता कैसा है, ऐसे एक वाइट टेबलेट की तरह दिखता है, जैसे लग रहा है कैल्शियम की गोली है। अब हम लोगों ने इस टेबलेट के फॉर्म वाले दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स को हम लोग ने किस में डाला, बीकर में डाला। अब ये बन गया बेस, अब ये आपका बेस बन जाएगा धीरे धीरे, ऑटोमेटिक क्या होगा वो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आगे के प्रैक्टिकल्स। चलिए फेनोल पैथिलीन को हम लोग एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे कि कौन से कलर शो होते हैं, जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, आपको याद रखने में भी सुविधा होगी। ठीक है, क्योंकि आप साथ में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स को देख रहे हैं। मैं अपने हाथों में ग्लव्स को इसलिए नहीं पहना क्योंकि भगवान ने मुझे 6 उंगलियां दी हैं और मुझे ग्लव्स पहनने थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि क्या बोल सकते हैं कि ग्लव्स मैं नहीं पहन पाता हूँ। ठीक है, इसलिए आप जब भी प्रैक्टिकल्स को करेंगे तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके नाउ ये है आपका बेस, थोड़ा सा बेस को लेंगे, ड्रॉपर्स के इस्तेमाल के द्वारा लेते हैं। देखिए ये हम पहले रेडी ना, पहले हम लोगों ने इसे बेस लिया। ओके ज़्यादा नहीं लेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे फेनोल पैथिलीन। ओके ये हमारे ड्रॉप बाय ड्रॉप आसानी से डाल सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा सुविधाएं दी गई है। देखिए एक बूंद जैसे ही हमने डाला इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, आपका कौन सा कलर हो गया, ये डार्क पिंक। ओके अब हम इसमें क्या करेंगे, बेस को डालेंगे। ओके सॉरी, अब हम लोग इसमें डालेंगे एसिड को, क्या है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसमें जैसे ही एसिड को डालेंगे देखते हैं क्या होता है, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप 7 ड्रॉप 8 ड्रॉप 9 ड्रॉप 10 ड्रॉप कलर गायब। मीन्स हमने जैसे ही बेस को डाला इसके क्या हो गए, कलर गायब हो गए, मतलब जैसे ही हमने एसिड को डाला कलर गायब हो गए, नॉट बेस। अब हम फिर इसमें क्या डालेंगे, बेस को डालेंगे, फाइव सिक्स सेवन एट। ओके एट नहीं हो पाया, सेवन तक ही हुआ, 8 9 10 11 12। देखिए 12 ड्रॉप डालने के बाद कलर फिर पिंक हो गया। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे ही एसिड डालते हैं कलरलेस, फिर बेस डाला फिर पिंक, फिर एसिड डाला फिर कलरलेस, फिर बेस डाला फिर पिंक, मतलब ये रेगुलर बेसिस में चलता रहता है। देखिए एक बार फिर से आपको करके बता देते हैं, ये तो आपका पिंक हो गया, अब ये देखिए कलरलेस कैसे हो जाता है, ये आपका क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ थोड़ा सर बीकर में दिखाइएगा, ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जैसे ही हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 9 10 11 12 13 13 14 15 थोड़ा सा स्टिर कर दीजिए, कलर गायब हो गया। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि फेनोल पैथिलीन का जो रिएक्शंस होता है एसिड के में के प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंट में कलरलेस, बेस में डार्क पिंक। ओके इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, 1 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एनी डाउट देन यू राइट अ कॉमेंट बॉक्स, राइट इन अ कॉमेंट बॉक्स, योर डाउट शुड बी क्लियर बिफोर एटलीस्ट नाइट। ओके तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।